नमस्ते फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ऑयल मिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये ऑयल एक्सपेलर मशीन है। 30.5-9 वोल्ट का मशीन है। साथियों, आज हम बताएंगे सरसों से तेल कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस। ये हमारे ऑपरेटर साहब हैं जो सरसों डाल रहे हैं। अब थोड़ा सा मामूली पानी डालेंगे सरसों में, और देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी रिव्यू करवाऊंगा कि सरसों का जो तेल है वो कैसे बनता है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जानकारी बताएं। तो देखिए दोस्तों, नीचे जो ये पीपे में तेल आ रहा है, नीचे वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, और इधर जो निकल रहा है, ये सामने ये खली निकल रहा है। ऑपरेटर साहब इस खली को भरने में लगे हुए हैं, और देखिए दोस्तों, ये खली सामने निकल रहा है, तेल नीचे पीपे में आ रहा है। अब जो मैं पूरा प्रोसेस आपको देख पा रहे होंगे कि सरसों से तेल कैसे बनता है। ये पीपा भर चुका है, आप पीपे को इधर डाल रहे हैं बगल में, फिर ड्रम में डाला जाता है, जिससे कि ये फिल्टर होके फिर इधर ड्रमों में आ जाता है। अब दोस्तों देखिए, सरसों कितनी मात्रा में चलता है, और फिर ज़्यादा सरसों इसमें छोड़ते हैं तो ये माल ज़्यादा भर जाता है, फिर मशीन सही तरीके से माल नहीं ले पाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा रिव्यू करवा रहा हूँ, कैसे ये पुली वगैरह सेटअप वगैरह कैसे, ऊपर का भी सिस्टम कैसे चल रहा है, आप सभी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पे एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों देखिए, आप सभी जो भी हैं वीडियो में देख रहे हैं भाई, तो आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 9 वोल्ट का मशीन है, 30.5 का। इधर सरसों का जो माल है स्टॉक, इधर सरसों का स्टॉक रखा हुआ है। इधर एक खली एक की बोरी रखी हुई है काफ़ी मात्रा में। और देखिए दोस्तों, नीचे वो तेल आ रहा है, ये सब आप देख पा रहे होंगे, चैम्बर से नीचे होके तेल आ रहा है, वीडियो के माध्यम से आप सभी देख पा रहे हो। और देखिए दोस्तों, ये जो जाली पर तेल आ रहा है, ये चैम्बर के माध्यम से तेल आ रहा है। नीचे इसमें छेद है, छेद के माध्यम से नीचे पीपे में तेल आ रहा है। पूरा मैं रिव्यू आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप जो भी भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पे प्यारा सा लाइक कर लें, और अपना एक बार प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। ये दोस्तों जो आप देखिए, 30.5 का मशीन है, 9 वोल्ट का सरसों चल रहा है इसमें अभी। ये 41 लैब का सरसों है, और ऊपर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मात्रा में इन्होंने पानी मिलाया है। पानी मिला के थोड़ा सा क्या है कि उससे खली बन जाता है, नहीं तो सीधा बुरादा सा निकलने लग जाता है। थोड़ा सा मात्रा में पानी मिल डाला जाता है, उससे कि सरसों का जो तेल है वो बनने की प्रोसेस पूरा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा रिव्यू करवा रहा हूँ मशीन के बारे में। आपको जो भी जानकारी चाहिए ऑयल एक्सपेलर से, ऑयल मिल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये सामने देख पा रहे हो, ये ऑयल स्टोरेज का ड्रम है, और पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर क्या बोला, ये ड्रम रखा हुआ है, कटा हुआ ड्रम में जो तेल है वो इधर फिल्टर के माध्यम से प्रोसेस करने के लिए जाता है। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये नीचे ये जो गाद है फिल्टर को साफ करने के बाद, जो मिट्टी वगैरह फिल्टर में जमा हो जाता है, ये इधर खली पड़ा हुआ है, खली जो डाला जाता है इधर, ये खली है। ये इधर ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं सामने, ये आराम से बैठे हुए हैं। और दोस्तों जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके, ये 16 प्लेट का फिल्टर है, इसमें फिल्टर होकर तेल ड्रमों में आता है। ये खली है, सेकंड प्रेस का खली है, ये अभी और डाला जाएगा, 3 प्रेस किया जाता है इसका। तो साथियों, जो भी भाई प्लीज़ चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर प्यारा सा लाइक करें, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ। और जो भी भाई को जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कॉल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज़, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।